विदेशी बाजारों में सोयाबीन खली की बिक्री कम होने की वजह से पिछले वित्त वर्ष 2021-22 में भारत का खली निर्यात 36% घटकर 23.73 लाख टन रह गया है। मूल्य के लिहाज से निर्यात 37% घटकर 5600 करोड़ रुपए का रह गया है। खाद्य तेल उद्योग के आंकड़ों में ये जानकारी दी गई है। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी कि सी ने एक बयान में कहा है कि मार्च 2022 में 2,42,043 टन तेल खली का निर्यात हुआ, जो मार्च 2021 में हुए 3,22,850 टन के निर्यात की तुलना में 25% कम है। पिछले वित्त वर्ष के दौरान तेल खली का कुल निर्यात वर्ष 2020-21 के 36,89,483 टन की तुलना में 23,73,744 टन रह गया। मूल्य के लिहाज से तिलहन का निर्यात 2021-22 में घटकर 5600 करोड़ रुपए रह गया, जो पिछले वर्ष में 8,866 करोड़ रुपए का हुआ था। पिछले वित्त वर्ष में सोयाबीन खली की कम विदेश भेजी जाने वाली खेप घट गई, जिससे निर्यात नीचे आ गया। यह वित्त वर्ष 2021-22 में एक साल पहले के 15,64,833 टन से घटकर 3,72,740 टन ही रह गया। सी ने कहा है कि भारत में सोयाबीन दाने की कीमत मौजूदा समय में 7,600 रुपये क्विंटल से अधिक है। मौजूदा समय में निर्यात के लिए भारतीय सोयाबीन खली की कीमत अधिक है, क्योंकि कांडला बंदरगाह पर बोली जाने वाली दर $840 प्रति टन है, जबकि ब्राज़ील से आने वाली प्रत्येक टन की खेप के लिए यह दर $574 है और अर्जेंटीना से आने वाली प्रत्येक टन के लिए खेप $586। सी ने कहा है कि घरेलू सोयाबीन दाने की अधिक कीमत के कारण निकट भविष्य में भारत के निर्यात के लिए प्रतिस्पर्धी होने की संभावना थोड़ी कम ही है। सोयाबीन की पैराई कम है, क्योंकि किसान ऊंचा दाम पाने की उम्मीद में इसका भंडार रखते हैं। वर्ष 2020-21 में भारत ने अमेरिका को लगभग 2,25,000 टन जैविक सोयाबीन खली का निर्यात किया था। हालांकि निर्यात की खेप पिछले वित्त वर्ष में घटकर सिर्फ 65,000 टन रह गई। यूरोपीय देशों में भारत से सोयाबीन तेल खली की अच्छी मांग है, क्योंकि यह केवल बगैर जीन संवर्धन वाले सोयाबीन खली का उत्पादन करता है। रेप सीड खली के मामले में वर्ष 2021-22 के दौरान निर्यात घटकर 8,66,407 टन रह गया, जो वर्ष 2020-21 में 11,13,021 टन का हुआ था। इस दौरान दक्षिण कोरिया, थाईलैंड, वियतनाम और बांग्लादेश ने भारत से कम मात्रा में रेपसीड खली की खरीद की। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।